हाय, वेलकम टू एफएससी एंटरटेनमेंट। सुबह के 5:30 बजे है और मैं पहुंच गया हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन मुंबई में, और हम पकड़ रहे हैं वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन खेड़ जाने के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं समा एग्रो एंड लाइफ स्टॉक गोट फार्म कवर करने। 5:30 बजे हमारी ट्रेन बॉम्बे से निकली और हम पहुंच गए खेड़ रेलवे स्टेशन तकरीबन 8:45 को, सुबह के 8:45 को। सो ऑलमोस्ट 3 आवर्स में हम पहुंच गए खेड़, जो कि पहले 5 से 7 घंटे लगते थे बाय रोड। इट्स बिकम सो कन्वीनियंट टू ट्रैवल बाय वंदे भारत ट्रेन। सो मैं हूँ डॉक्टर आरिफ पिछले के साथ और उनके फ्रेंड के साथ, और हम पहुंच गए खेड़ रेलवे स्टेशन। खेड़ रेलवे स्टेशन बहुत ही यू नो रस्टिक लुक देता है, एंड एक फ्रेश एयर आती है। यू फील रियली रिफ्रेशिंग व्हेन यू लैंड एट खेड़। तो हम बाहर निकले खेड़ रेलवे स्टेशन के, और यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है बाय रोड टू समा एग्रो एंड लाइफ स्टॉक गोट फार्म। हमने पकड़ ली ऑटो रिक्शा और छोटे छोटे गांवों के थ्रू होते हुए हम जा रहे हैं खेड़ के समा एग्रो एंड लाइफ स्टॉक गोट फार्म पर। और रास्ते में एक नदी पड़ती है। इंटरेस्टिंगली दिस नदी इज़ इन्फेस्टेड विद क्रोकोडाइल्स। यहाँ पर इतने क्रोकोडाइल्स होते हैं, एंड इट्स सो अमेजिंग टू सी ह्यूमंस एंड क्रोकोडाइल्स यू नो को एग्जिस्टिंग टुगेदर सो पीसफुली। मैंने देखा कि लोग नदी क्रॉस कर रहे थे, बगल में मगरमच्छ है, दे डोंट डू एनीथिंग टू ह्यूमंस बिकॉज अपेरेंटली दे आर सो यू नो व्हाट यू दे आर सो वेल फेड एज इन नोबडी फीड्स देम, बट आई थिंक द रिवर द नेचर प्रोवाइड्स देम सफिशिएंट फूड, सो प्रॉब्ली दैट्स द रीजन दे डोंट अटैक ह्यूमंस। बहुत सारे क्रोकोडाइल्स थे यहाँ पर, एंड इट वॉज सो सरप्राइजिंग टू सी देम को एग्जिस्ट पीसफुली विद अस ह्यूमंस। सो हमने ये नज़ारा देखा और हम निकल पड़े समा एग्रो एंड लाइफ स्टॉक गोट फार्म कवर करने। सो तकरीबन आधे घंटे की जर्नी थी फ्रॉम खेड़ रेलवे स्टेशन टू समा एग्रो एंड लाइफ स्टॉक गोट फार्म, एंड इट्स एक्चुअली समा एग्रो एंड लाइफ स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड। इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट्स अ रजिस्टर्ड कंपनी। एंड प्लेजेंट वेदर था एटलीस्ट इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून वॉज हॉरिबल। 11 बजे के बाद तो इतनी गंदी गर्मी थी पूछो मत, बट बिफोर 11 AM इट वॉज वेरी प्लेजेंट एंड वी रीच्ड अराउंड अबाउट आई थिंक 9:30। सो ये है समा एग्रो। काफ़ी बकरे हैं, मेजॉरिटी इनके पास बकरियाँ हैं, बच्चे हैं, एंड कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी ब्रीडर्स हैं इनके पास, स्पेशली मालवा और हंसा। एंड इनका एक पोल्ट्री फार्म भी है, एंड दे गॉट सेवरल केजेस, एंड कुछ पलाई पे भी इन्होंने बकरे रखे हैं। सो हम एक ओवरव्यू देते हैं आपको इस फार्म का, एंड देन विल स्पीक विद डॉक्टर आरिफ पिजले, एंड विल टेक यू थ्रू द एंटायर फार्म। एक फार्म टूर कराते हैं उनके साथ। सो लेट्स स्पीक विद डॉक्टर आरिफ पिजले। हाय, वेलकम टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं खेड़ में हूँ, महाराष्ट्र में, एंड आई एम हियर टू कवर द बिगेस्ट गोट फार्म इन खेड़, एंड अपेरेंटली वन ऑफ द बिगेस्ट और रादर द बिगेस्ट ब्रीडिंग सेटअप बकरों का। एंड आरफा जलाल आ चुके हैं यहाँ पर पहले, हु कवर्ड द फार्म ऑन माई बिहाफ, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम विजिटिंग दिस जाइनॉर्मस फार्म। और हमारे सामने है डॉक्टर आरिफ पिजले। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर बिजले, कुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस प्लीज? यस, माय नेम इज़ डॉक्टर आरिफ बिजले एंड आई एम द को ओनर ऑफ दिस फार्म। इट्स एक्चुअली ऑपरेटेड एंड मॉनिटर्ड बाय माय फादर असलम बिजले, एंड आई एम जस्ट आई एम अ को ओनर, आई एम हिज सन, एंड दिस इज आदिल परकार, माई ब्रदर, योर ब्रदर हु विल बी शेयरिंग दिस वीडियो। So the name of the farm is Sama Agro and Livestock Private Limited. Yeah. This is basically a registered company. Yeah, right? It's a registered company. And there's a registration number also over here. Wonderful. You can see it over here. Arif bhai, ye maine suna nahi hu, actually maine dekha hu. Dekhiye, main do hi farm cover kiya hu. Ek to a very famous Imtiaz Nadkar, unka hi mashallah bahut bada farm hai. Ji. And aapka dekha, aapka bhi mashallah, I think this is the biggest farm. Yeah, yeah. In terms of the number of goats you have, I think. Yeah, I started from around 50 goats, means it, there were females and males. But now, alhamdulillah, I have around a count of 200 plus, okay, which includes male, female and the kids. Okay, Dr. Bijle ke baare mein main bata doon ke bahut sari bhashaye bol lete hai ye. Angrezi, Hindi, Kokni
And he's very fluent with Russian as well. Yeah. Yeah, because he studied in Russia. Yeah. So very fluent with Russian. Yeah, sure. ठीक है, कुछ बातें भी कर लेंगे, दो तीन reels बना देंगे Russian. इंशाल्लाह. ठीक है. So इस वीडियो में पूरा farm tour कराएंगे. जी, इस वीडियो में farm tour करवाएंगे. और उद्देश्य क्या है हमें बुलाने का basically? Actually, I have मेरे पास ये है अपना female goat kids है. Ages mm-hmm. from 1 month, 2 months and 3 months. Mm-hmm. But I sell around 3 months plus. Okay. So मेरे पास कुछ वीडियो मतलब इस वीडियो में मेनली गोट किड सेल करना है. So इनके पास मेरे ख्याल से बहुत सारे बकरियाँ हैं, उनके बच्चे हैं. जी उनके बच्चे 50 हो गए, 50 करीब. जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी एज 3 months एंड प्लस के 50 प्लस गोट्स रहेंगे. ठीक है, वो सारे बिक्री के लिए. जी सब बिक्री के लिए. ठीक है, और बहुत रीजनेबल दाम में है. सो जिस किसी को भी बल्क में भी खरीदना इनसे खरीद सकते हो आप. ठीक है, और फीमेल्स आर नॉट फॉर सेल, जस्ट टू क्लियर इन दिस वीडियो, ओनली मेल गोट किड्स आर फॉर सेल. ओके, बिकॉज आई एम रनिंग अ ब्रीडिंग सेटअप, सो फीमेल्स मुझे चाहिए एक्चुअली. Because for to continue my breeding setup ahead. Okay. And what number people should call you at? Is this your phone number? Yeah, this is my phone number, as mentioned in the video in the description below. 9892023261. Yeah. Right. This is your number. I'll follow them on Instagram as well. Their Instagram ID is sama_farm22. If anybody is comfortable sending them an email, samalivestock@gmail.com. Yeah. Is there you can reach them at? ठीक है, चलिए farm tour कराते हैं. Before you open the gate, I want to thank you from the bottom of my heart for the induction of our logo in your banner. Thank you so much. Thank you. बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग बोलते हैं कि भाई डालें. नहीं नहीं, मैंने अब तक किसी को नहीं बोला, ये अपनी मर्जी से ये फाद भाई की मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में. ये फाद भाई ने मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं किए थे, ये मैंने अपनी तरफ से फाद भाई की बोलते ना फाद भाई फर्स्ट टाइम हमारे फार्म में, तो उनके वेलकम के लिए मैंने लगाया. थैंक यू सो मच, थैंक यू. चलिए एंटर करते हैं. Hari bhai, let's open your farm. Yeah, sure. Sama Agro and Livestock Private Limited. Hari bhai, what is the area of your farm? It's around 1 to 2 acres of land, okay. Which is developed now. Mm-hmm. ये मेरी पर्सनल ओन्ड प्रॉपर्टी है, ऐसा mm-hmm. नहीं रेंटेड प्रॉपर्टी या कुछ है. यहाँ पे मेरा खुद का फार्म हाउस है जहाँ mm-hmm. पे हम लोग खुद स्टे करते हैं mm-hmm. जब वेकेशंस पे आते हैं. अदरवाइज देयर इज अ लेबर रूम ओवर हियर एंड जस्ट बिसाइड टू द फार्म. सो बेसिकली 2 acres में फैला हुआ है. yeah. जिसमें कंस्ट्रक्शन कितने जगह पे है, कितना कैपेसिटी का आपका फार्म है, कितने बकरे बकरियाँ अकोमोडेट कर सकता है, और आपने रखा कितना है? अल्हम्दुलिल्लाह, बकरियाँ तो ऑलमोस्ट अबव 90 है, जिसमें से बच्चे भी है अभी जो तैयार हो रहे हैं फीमेल्स में, और इसमें मेल्स भी है जो अभी इस वीडियो में जो सेल आउट के लिए रहेंगे, और कुछ मैंने रखा हूँ पर्सनल शौक के लिए, और उसमें से भी अगर कुछ किसी को पसंद आते हैं तो वो भी सेल आउट के लिए रहेंगे. तो कैपेसिटी कितनी है फार्म में? कैपेसिटी इज़ अराउंड 200 goats. Which includes 100 for females, mm-hmm. 100 plus. But you already have. Okay. How many females you have? I have above 90 females. 90 Asal females. Me count will be. At the moment, total count kitna hai farm pe bachche bachchi sab mila ke? Mila ke it's above 200. Above 200. Yeah. The only the means the kids are around 75 plus. Okay. Okay. And there's a lot more to. Abhi aap construction karo to. बहुत और बकरे अकोमोडेट कर सकते हो आप. एक कंस्ट्रक्शन के लिए बाजू मतलब है एक जगह प्लॉट है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे पलाई के कस्टमर्स के लिए भी अकोमोडेट करने की जगह रहेगी. ओके, सो वेयर शैल वी स्टार्ट? वहाँ से आपके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. ओके, मेल्स फर्स्ट. डॉक्टर साहब जी, क्या देखते हैं सबसे पहले? सबसे पहले देखते हैं मेल जो अंडू में रहेंगे, स्पेशली जो उसमें ब्रीडर्स भी है और उसमें कुछ पलाई के बकरे. आई यू स्पेशलाइजिंग इन एनी ब्रीड? कोई एक ब्रीड में आपका फोकस है? फोकस ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली आई डील इन सोजत, स्पेसिफिकली सोजत एंड सोजत हैदराबादी क्रॉस, मोस्टली इन दैट. बट देयर इज नो स्पेसिफिक ब्रीड. ब्रीड हंसा एज वेल नो? या आई हैव गॉट हंसा, आई हैव गॉट पतीरा, आई हैव गॉट सोजत, गुजरी, हैदराबादी एंड कोटा ऑल्सो. ओके, ये जो है ये आपका? Yeah, this is my personal. This is where you stay. Yeah, this is kitchen, where I stay. Kitchen, everything. Yeah. Your family comes and stay. Yeah. Live here.
ठीक है, बकरे बताने से पहले जी दिस इज जस्ट कुकड़ू कू साउंड या है ना, दिस इज लाइक फन एंड बहुत ही यूनिक रे वैरायटी आपने रखा है जी। देयर आर टू ब्रीड्स, वन इज जो होता है जो देसी, ये अपने फार्म का या दीज आर द देसी ये देसी मुर्गे भी फॉर सेल है, ये बिक्री के लिए है, ये भी बिक्री के लिए है। कितना रुपया? लाइक 700 रुपीज पर पीस, 700। और अदरवाइज मुर्गी की दुकान पे कितने के मिलते हैं? मुर्गी की दुकान पे प्रॉपर देसी मिलते भी है, नहीं भी मिलते हैं, लेकिन ये प्रॉपर फार्म फेड ऑर्गेनिक, दैट्स डिपेंड अपॉन द केजी। मुझे आइडिया नहीं मार्केट क्या रेट है, लेकिन इधर लोकल रेट 120 रुपये। देसी मुर्गे का रेट इतना नहीं है, देसी नहीं, ब्रॉयलर का है, ये ब्रॉयलर का रेट है। हाँ, देसी मुर्गे का रेट तो अलग है, मुझे आइडिया नहीं है। तो व्हाट यू वांट टू सेल इट, हटाना है पूरा? नहीं, ये एक्चुअली में मेल है ना सारे। हाँ, जिसमें हम लोग पर्सनल भी यूज करते हैं इसमें से। हाँ, लेकिन ये एक्स्ट्राज है मेरे पास, किसी को अगर चाहिए होंगे। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं इनका जो कीटाणु है बकरों में जाए? नहीं नहीं, ये प्रॉपर, ये पूरा बाड़ा ही अलग है। ओके, बकरों से। एक ये है, एक ये है, ये देसी मुर्गे है, और ये है ब्लैक ऑस्ट्रोलॉप करके, ये ब्रीड है, ब्लैक ऑस्ट्रोलॉप। ब्लैक ऑस्ट्रोलॉप कहाँ की है ये? ये शायद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है शायद, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट ये ब्लैक ऑस्ट्रोलॉप। बहुत है आपके पास तो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रेड है, यही की पैदावार है? नहीं नहीं, यही की पैदावार नहीं है, ये मैंने मंगाया था, सब छोटे छोटे थे, और इसमें मोस्टली फीमेल्स वगैरह ज़्यादा है, मुर्गी है जो अंडा देती है, किसी को वो अंडे भी चाहिए तो अंडे भी मिल जाएंगे। कड़कनाथ जैसा एक्सेप्ट फॉर दी याद जो है वो इनका, बाकी पूरा कोई मिसकंसेप्शन नहीं रहना चाहिए, कड़कनाथ नहीं है, ये ब्रीड अलग है, ब्लैक का तो साज भी काला रहता है, सब काला होता है, एंड दैट्स अ डिफरेंट ब्रीड। चलिए आके बकरे देखते हैं। डॉक्टर बिजले, yes. आपके मुर्गे बाहर निकल गए, सब भाग जाते हैं। बहुत एस्थेटिक लग रहा है आपका फार्म, प्रॉपर फार्म लग रहा है ना? What is the purpose of having so many? Just for means, for poultry purpose, just for eating, simply. अंडे खाने के लिए? And अंडे, अंडे means eggs are also for sale. It's around 12 rupees per piece, and you will get it delivered in Mumbai, Pune, wherever you want. Achha. Yeah. 12 rupees per piece, this ande. Yeah. And you want in quantity also, so that also is available. Okay. And if you want the hens or the cocks for sale also, you'll get it. So, ye kitne ke milenge, kaale wale? Murgi rahegi around 600 rupees per piece. And murgi rahenge 700 rupees per piece. Aur desi? Desi hai. Desi bhi aur black australop. Same price. Yeah, same price. Chaliye, aapka farm batate hain. डॉक्टर साहब, फार्म बताते हैं आपको। डॉक्टर साहब, ये कौन सा एरिया है? ये है अंडू के कुछ केजेस हैं, अंडू बकरों के, जिसमें से इसमें कुछ पलाई के जानवर हैं और जिसमें से मेरे पर्सनल कुछ जानवर हैं, जिसमें ब्रीडर्स भी हैं
और होम ब्रीड के बच्चे भी है। ये दिस इज बॉर्न एंड शॉ, ये मैंने लाया था ऑलमोस्ट अराउंड 2 साल पहले, तो ये बहुत छोटा बच्चा था, अराउंड 3-4 मंथ मालवा है, मालवा है, प्योर मालवा। और ये मेरा ब्रीडर रह चुका है, अभी इसको मैंने ब्रीडिंग से थोड़ा ब्रेक लिया हूँ। और ये इतना बड़ा हंसा बकरा जी, माशाल्लाह, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक ब्रीडर था। कितने 80-90 किलो का होगा ये? ये है अराउंड 110 kg का अल्हम्दुलिल्लाह जी, के आसपास है। और अभी फ्रेश 8 दांत है, और ये भी मैंने बहुत छोटे से मैंने इसको पाला हूँ। माशाल्लाह जी, अच्छी फ्रेंड है। इसके बच्चे नहीं निकाले आपने? इसके बच्चे भी है, लेकिन ऐसा है कि वहाँ पे अभी वो सब मिक्सअप हो जाते हैं, क्योंकि जो फीमेल्स वगैरह है तो सब ध्यान में रखना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और ये दोनों बकरे जो है ये दोनों पलाई पे है। अच्छा, पलाई भी आपने शुरू की हो? पलाई मतलब ऐसा है कि थोड़े जान पहचान के जो है सिर्फ उन्हीं के है, क्योंकि अभी मेरे पास केजेस अवेलेबल नहीं है। जब केजेस अवेलेबल रहेंगे तो इंशाल्लाह उसके लिए भी इन्फॉर्म करेंगे सबको। ये कितने दांत पे है? ये है शायद ये 8 दांत पे, वो भी 8 दांत पे। और एक और हंसा बकरा है हमारे पास जी, ये बहुत ज़्यादा कार्टून बकरा है, बहुत। दिस इज आल्सो अ ब्रीडर एट योर फार्म? या, दिस वाज आल्सो अ ब्रीडर। ये भी है, मतलब हंसा बकरिया मोस्टली से क्रॉस है। निकालेंगे, निकाल के इनका वीडियो भी बनाएंगे जी। और ये सोजत ब्रीडर है? ये दोनों सोजत ब्रीडर्स है। सो जितनी अपनी सोजत बकरियां हैं इन लोगों से क्रॉस जी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह दो-तीन दांत पे है, और दोनों ऐसा है कि एकदम क्वालिटी में तर गुलाबी है। तो बच्चे भी आपको जो मोस्टली मिलेंगे या तो इनके भी इनके ही मिलेंगे, मोस्टली जो सोजत बच्चे हैं वो इनके हैं। और ये अपने ये है मेरे फ्यूचर, ये मेरे पर्सनल शौक के बकरे। दीज आर बोर्न एट नो 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 दे आर परचेस्ड फ्रॉम आउटसाइड। कितने महीने के हैं ये? ये अराउंड 1-1 साल के रहेंगे। 1-1 साल के हैं, आदंती है, आदंती है। तो इनको क्या करना है, ब्रीडर बनाना? ये अभी देखेंगे जैसा क्वालिटी पे। बट डोंट यू वांट टू हैव अ ब्रीडर जो बहुत लंबी फ्रेम का हो और बहुत एक्सट्रीम क्वालिटी का हो? इंशाल्लाह देखेंगे, अभी उसके लिए भी है, थोड़ा सर्च में है, जो अच्छा मिलेगा अभी उसके लिए। अभी ऐसा है कि बहुत छोटेपन से ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा बकरा कितनी लंबी फ्रेम लेगा या कुछ। बट इनकी आपको पेडिग्री पता हो, इनका पता होगा ना, डिपेंड्स। वो भी ऐसा है कि कौन सी, हाँ, जेन्युइन रहेगा नहीं रहेगा, तो वो सब चीज़ें मैटर करती है। तो ये बेचना है हमारे पास कोई माल इसमें से? नहीं, इसमें से कोई सेल आउट के लिए नहीं है, वो जो है पर्सनल, अभी जो निकाले हैं ना, अभी सब निकाल के पर्सनल जब वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर ही, तो उसमें देख लेंगे सेल आउट का है क्या कोई। ये अल्हम्दुलिल्लाह सब होम ब्रीड के बच्चे हैं। अच्छा, ये बॉर्न एट? ये बॉर्न एट समाज। ये तो एक, ये जेपी हंसा क्या है? ये है सोजत? नहीं, ये सोजत है। सोजत है ये? या ये सोजत है। वहाँ पे बाद हंसा है मेरे ख्याल से, जेपी जी, वो जेपी है। ये उसका फादर वो रहा, पंच फेस जो वहाँ पे है उसका फादर है। अच्छा, वो है जी। काली सिंह आई है उसको? हाँ, काली सिंह आई है उसकी भी। काली सिंह उसकी भी काली सिंह है, दोनों सेम है। और ये मैं ब्रीडर, ये है हैदराबादी, ये मेरा फ्यूचर ब्रीडर है। इसका कान की लेंथ है अराउंड 18-19। क्या डाले हो आपने? ये मिक्स फीड है एडिलेड का। ये आपके पास सारी फीड जो एडिलेड से आती है, चाहे हरी पत्ती हो चाहे गोला जीरा हो, हर चीज़ एडिलेड से। I think for a change you're pronouncing that, I think that's the right pronunciation, right? Adil Aid? Yeah, Adil Aid. Right? Yeah, a lot of people pronounce it as Adelaide. Adelaide is the same Adil thing. Bhai is the name of the yeah, owner, Adil right? Yeah, Adil Bhai is then. Aid is like assisting somebody. Yeah. So I think that's the right pronunciation. Yeah, correct. And people have made it who Adelaide. Adelaide. Australia ka Adelaide bana dala. Doctor Saab, moving on to the next baada. Next baada mein खस्सी है कुछ, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे रीत के लिए रहेंगे। अभी सब 4 दांत पे है, 3-4 दांत पे है, और इंशाल्लाह सब नेक्स्ट ईयर कुर्बानी के लिए सेल आउट के लिए रहेंगे। ये सारे खस्सी बकरे हैं, सोजत है मोस्टली? मोस्टली सोजत है, ऑलमोस्ट सोजत है। ये आपने जो खरीदा लास्ट टाइम बकरा ईद के टाइम पे वीडियो बनाया था, हाँ, उसमें से मैंने जो सेल आउट हो गए थे और उसमें से कुछ मैंने रोक लिया, क्योंकि सब दो था आपका? हाँ, ऑलमोस्ट बिक गया था, और कुछ माल मैंने पर्सनली रोका था, बिकॉज उसमें 2-2 दांत के बच्चे काफ़ी थे, और उसमें मैंने पोटेंशियल दिखा था कि वो बन सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। बेचना है आपको ये? अगर कोई इंटरेस्टेड रहेगा, इंटरेस्टेड यहाँ पे अगर लेके पलाई पे रखना चाहता है,
वो भी सेल आउट कर देंगे। कितना रुपया किलो मिल जाएगा वो अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा कैलकुलेट करके एक सेपरेट वीडियो बना देंगे हम, मैं आपको ये करके बताऊंगा। इसमें भी कुछ ऐसे है जो मेरे फार्म के बॉर्न बच्चे है, होम ब्रीड है। क्या हुआ था पता है? कार्टून है। तो इसमें से कुछ अपने बॉर्न ये वाले होम ब्रीड है। अच्छा, किसी को ये चाहिए होगा, ये भी हंसा का बच्चा है, अदंत है। हाँ अदंत है। वो एक ये है गुजरी का बच्चा है, उसकी मदर हम मतलब ये है, लेकिन ये दोनों खस्सी किए हुए हैं। ओके, इनकी भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे और जो जो बेचने के लिए है कि वजन जी, करा के भी दे देंगे आपको जी। अप्रोक्सीमेटली क्या वजन के हैं हमारे पास बकरे में? बकरे रहेंगे मतलब ऐसे अगर बच्चे देखे जाएंगे तो 80 केजी, ये जो बड़े वाले हैं। हाँ, ये तो अबव 60 केजीज है ना, 65 केजीज अबव है। और ये बच्चे अदंती है ना सारे? ये सारे बच्चे अदंत है, कुछ एक आध में रहेगा दो दांत के लिए, लेकिन ये सब होम ब्रीड है। आरी भाई, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बाड़ा। या अभी ये नेक्स्ट बाड़ा भी, इसके अंदर मोस्टली मेरे होम ब्रीड के बच्चे है और कुछ इसमें पलाई के भी जानवर हैं। ये हमारे फार्म के बच्चे इतना सब बड़े हो गए काफ़ी जी, माशाल्लाह ये सब बड़े बच्चे हैं। अरे भाई, ये वहाँ पर जो बकरा था मालवा, अच्छा ये अलग है? नहीं, ये जो बकरा है ये अलग है, ये मेरा फार्म का सबसे पहला बॉर्न बच्चा है ये। अरे माशाल्लाह, क्या ताकतवर, यानी एकदम झंड बना है माशाल्लाह। बॉना है, इसकी मदर भी मेरे पास में ही है, ये कहीं बाहर से क्रॉस होकर आया था, और ये मेरे फार्म का सबसे पहला बच्चा है। अभी कितने साल का है ये? अभी चार दांत पे ही है। चार दांत पे जी, और वजन रहेगा अप्रोक्सीमेटली 90 केजी के आसपास। तो आप डॉक्टर साहब, आपने फार्म को खुल के कितना समय हो गया? एक साल हुआ है। एक साल प्रॉपरली? ओके, प्रॉपरली एक साल हुआ है, और हम लोग स्टार्ट किया था मैंने ऑलमोस्ट 50 गोट से। एंड व्हाट मेड यू स्टार्ट इन खेड़? या आई स्टार्टेड इन खेड़ स्पेसिफिक। व्हाट मेड यू, आई मीन बॉम्बे में भी कर सकते थे? बॉम्बे में ऐसा है कि जब यहाँ पे खुद की प्रॉपर्टी है तो उस पर ऐसा है कि एज अ वेकेशन के लिए, मैं खुद भी यहाँ पे, मेरे नेटिव प्लेस है ये, तो यहीं पे जब मैं, मेरे पास खुद का ये है। इतनी गर्मी है यहाँ पे, उमस इतनी है, क्या बकरे बनते हैं, तैयार होते हैं? जी, आप देख सकते हैं इसमें ये बकरे बनते हैं। बकरे तो माशाल्लाह आपके सब, कोई में ऐसा, आई थिंक ये एक फार्म है खेड़ में ऐसा, आई कैन पर्सनली आई मीन मैं कन्फेस करना चाहूँगा, मैंने कोई ऐसा बकरा नहीं देखा जिसका पेट अंदर घुसा हुआ है। सारे बकरे ऐसे, फॉर इंस्टेंस ये खोल सकते हो आप? हाँ, ये खोल सकते हो जरा, इसकी इसकी जान देखो आप। रस्सी से बंधा हुआ है? हाँ, ये रस्सी से बंधा हुआ इसके लिए है कि बहुत ज़्यादा, मतलब ये अपनी जगह से अगर हट जाता है तो इसको छोड़ के बाकी सारे ये बकरे इधर से। बकरा है माशाल्लाह, डू यू वांट टू सेल इट? हाँ, ये अगर कोई जेन्युइन कस्टमर रहेगा तो। अभी अगर कस्टमर जेन्युइन ही होते हैं, आप प्राइस बताइए, आपका प्राइस जेन्युइन लगा तो कस्टमर जेन्युइन। प्राइस इंशाल्लाह करवा के दे देंगे, सही सही प्राइस करवा के दे देंगे। आप क्या प्राइस मालवे? मालवा अभी अगर देखा जाए तो देखो, ये कैसा है, प्रॉपर बना हुआ फार्म पे, बचपन से मेरे पास में, ऐसा नहीं है कि जंगल में, ये है प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह सब किया हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह बीमार वगैरह भी कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए दांत देखिए उसके कितना, मेरे ख्याल से ज़्यादा होगा, चार से नहीं, चार मैक्सिमम पाँच रहेगा, बस अभी बकरा ईद में वो तीन दांत का था। देखिए चार दांत, चार दांत है, ऐसा लग रहा है भराई का बकरा है ना माशाल्लाह। इसके लिए कुछ अलग खुराक है? शॉर्ट हाइट नहीं, नहीं सेम, सबको सेम जाता है, ऐसा भी नहीं क्वांटिटी वगैरह। बताइए इसका, इसका दाम बता दीजिए, पब्लिक को एक आइडिया मिलेगा कि भाई फार्म जो है सस्ता है या महंगा है। इंशाल्लाह मैं पर्सनल में बता दूंगा। अभी बता दीजिए ना। नहीं नहीं, पर्सनल में बता दूंगा ना इंशाल्लाह, जब बाहर आएगा तो बाहर आने के बाद सबके प्राइस इंशाल्लाह जिसका हो सकता है मैं बता दूंगा। पूरे फार्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा, क्या चीज़ है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए ऐसे पूरी नज़र से। और माशाल्लाह अभी तक ऐसा है कि सींग इंटैक्ट रखा है माशाल्लाह, वरना मोस्टली तो, और इसकी सींग भी एकदम अलग अलग ही है, एक यहाँ घूम रही है एक वहाँ घूम रही है। बट क्या बनावट आई है यार, एकदम भराई का बकरा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी तैयारी है। ये सब होम ब्रीड है, इस किसी को इंटरेस्ट है? एक बहुत पुअर स्टोरी है, इसका लेग जो है एम्पी करना पड़ा आपको? ये असल में मेरी होम ब्रीड की बच्ची है, बीटल, मतलब इसकी जो माँ है वो हैदराबाद बीटल है, सॉरी, और इसका जो फादर था वो हंसा, और फीमेल गोट है,
लेकिन इसने अपना पाँव कहीं पर फंसा ली थी और उसका पाँव बीच में एम्पुट करना पड़ा बिकॉज वो एकदम ये सड़ चुका था इसके लिए। तो नाउ अभी अभी देखते हैं इंशाल्लाह कुछ तो करेंगे, प्रोस्थेटिक लेग वगैरह जो भी आता है इनमें जो भी हाँ शायद होता है इनमें भी okay. तो कुछ तो ऐसा तो नहीं है। ये भी अपने फार्म के बकरे हैं? नहीं, तो ये नहीं जो है ये सिरोही बकरियाँ हैं सिरोही, लेकिन ये सिरोही बकरियों के लिए मैंने एक प्रॉपर ब्रीडर मंगवाया मैंने। ये अभी ये दो दांत पे है, दो दांत है शायद अदंत है ओके। तो ये एज ए मेरा फ्यूचर ब्रीडर रहेगा सिरोही और अजमेरा बकरियों के लिए। ये एक पलाई का बकरा है। पलाई का है? पलाई जी। कितनी ले रहे हो पलाई आप? पलाई अभी मतलब ऐसा है कि कोई अभी फिक्स प्लान नहीं है पलाई का, बट ये रिश्तेदार हाँ अभी मतलब है तो जान पहचान के। जान पहचान जी, क्योंकि अभी मेरे पास स्पेस नहीं है पलाई के लिए okay. इंशाल्लाह स्पेस बनाएंगे माशाल्लाह। चलिए डॉक्टर साहब, वेयर आर वी हेडिंग नाउ? वी आर हेडिंग टू द फीमेल सेक्शन। फीमेल सेक्शन, फीमेल एंड द किड सेक्शन। दिस इज योर गार्ड डॉग? या दिस इज अ डोबरमैन ब्रीड, हिज नेम इज गैस्पर। गैस्पर? या। खुला ही रहता है, अभी बंद किया अपना? हाँ अभी थोड़ा शूट में डिस्टर्ब कर रहा था इसके लिए बंद किया, वरना नाइट में और ऑलमोस्ट फुल डे को ओपन रहता है। खुल गया, थैंक यू। डॉक्टर साहब ये फीमेल सेक्शन है? ये पूरा फीमेल सेक्शन है। कौन कौन से नस्ल की फीमेल्स हैं यहाँ पर? इसमें आपको मिक्स्ड मिलेगी ऑलमोस्ट। सोजत है, सोजत मिलेगी आपको, हंसा है, जेपी हंसा मिलेगी, कारोली कोटा भी है, कारोली कोटा भी है, हैदराबादी है, हैदराबादी। और ब्रीडर जो है कहाँ गया वो बड़ा ब्रीडर? एक हैदराबादी ब्रीडर छोड़ा हुआ है इसमें ये। क्यों हैदराबादी को सारों से क्रॉस करा रहे हो? अभी सारों से नहीं, ये ऐसा है कि मतलब ऑलमोस्ट जो बकरियाँ हंसा रहती हैं उनको हंसा से क्रॉस करवाते हैं और उनको अलग स्पेशली क्रॉस करवाते हैं, और ये जो है ये सोजत वगैरह पे क्रॉस हो जाता है क्योंकि इसके कान की लेंथ वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छा और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बकरियां हमें एक भी नहीं बेच रही है? नहीं बकरियां मुझे बेचनी नहीं है। भी बड़ी बड़ी फ्रेम की जी है पास, और ये सब नस्लदार बकरियां ली गई थी माशाल्लाह। इसमें भी कुछ बच्चे हैं जो मेरे पास पैदा हो के अभी बच्चे उन्होंने भी बच्चे दिए। अच्छा कौन से? मैं बता दो, फॉर एग्जांपल ये जो बकरी जा रही है आपके सामने ये वाली जी दुबली सी, ये वाली ये बच्ची की बच्ची है? ये बच्चे की बच्ची है। अच्छा अभी आप ये नहीं पूछना कि इसकी मदर कौन थी, तो मुझे आइडिया नहीं है। वो भी कितनी मस्त है वो माशाल्लाह। हाँ, जेपी है वो, अभी उसने बच्चा डाली है और माशाल्लाह तीन बच्चे डाली है ये जो बकरी है। ये वाली भी देखो बहुत बड़ी बड़ी फ्रेम की है माशाल्लाह। ये भी क्या है? ये भी अभी प्रेग्नेंट है इंशाल्लाह, ये भी बच्चा है, उसकी भी दो। ये कौन सी जेपी में है? कौन सी? ये हंसा है, प्योर हंसा। ये जो बच्ची है मैं बता सकता हूँ, इसकी मदर है वो जो मालवा है वो इसकी मदर है। वो ब्राउन वाली, जो ब्राउन वाली मालवा है ना वो इसकी मदर है। एंड फादर? जी फादर, फादर फादर का आइडिया नहीं, बिकॉज ये मेरे यहाँ पे क्रॉस नहीं हुई थी अभी, ये बाहर से मतलब मैं जो दूसरे फार्म पे रखा था वहीं से क्रॉस हो के आई थी। माशाल्लाह बकरियाँ बहुत अच्छी नस्लदार बकरी है, बहुत बड़ी हुई है। अंदर आपका किड सेक्शन है? ये पूरा किड सेक्शन है अंदर, और ये सारे किड्स अलहमदिल्ला सेल के लिए है, बिक्री के लिए। जी ये तो माँ के दूध पे हो गए ना? नहीं नहीं अभी माँ के दूध पे नहीं, ये जो जितने बाहर बच्चे घूम रहे हैं ना इनको अभी भी दूध चालू है, लेकिन ये अब दाना वगैरह सब उठाते। ये कितने महीने के हैं? ये है अराउंड 2 मंथ्स 3 मंथ्स के आसपास, 3 मंथ्स के तो मोस्टली है जितने बड़े दिख रहे आपको ये सब। कौन कौन से नस्ल के रहेंगे इसमें हमारे सब? इसमें मिक्स हैदराबादी, हैदराबादी सोजत है, मालवा है, उसके बाद हैदराबाद ये है अपना हंसा है कुछ, और मेल फीमेल और मिक्स राइट, प्योर मेल्स। हाँ इसमें मिक्स भी है कुछ, प्योर सोजत में भी है। मेल फीमेल है सारे? हाँ इसमें मेल फीमेल सारे हैं। ओके ओके, क्या रेंज रहेगी इनकी, प्राइस क्या लगे, एक वीडियो बनाएंगे इनका? नहीं इसमें ऐसा मैं बता देता हूँ, किड्स आर फॉर सेल फ्रॉम 8,000 ऑनवर्ड्स, 8,000 रुपये से बच्चे मिलेंगे आपको 3 मंथ्स एंड प्लस।
हैदराबादी नस्ल है वो महंगी जैसा हाँ मतलब महंगी आती है हंसा महंगे आते हैं तो उस हिसाब से रहेंगे और क्वालिटी भी डिपेंड करती है और वहाँ पर वो कॉर्नर में सब बच्चे हैं जो ऑलमोस्ट वन मंथ के हैं वो भी सब होम ब्रीड है प्रॉपर उसमें भी मेल फीमेल सब मिक्स है ये आपके स्टाफ है ये मेरे स्टाफ है जो मेडिकेशंस वगैरह चलती रहती है दूध ज़्यादा पी लेते हैं वन मंथ के हैं सर हाँ ये वन मंथ प्लस है सर बहुत अच्छा प्रोडक्शन है आपका जी अलहमदुलिल्लाह कितने हैं टोटल क्वांटिटी हमारे पास सारे बच्चे मिला के माशाल्लाह अच्छा प्रोडक्शन है व्हाट इज द मोर्टेलिटी परसेंटेज एट योर फार्म मोर्टेलिटी परसेंटेज इज लाइक टॉकिंग अबाउट किड्स किड्स नॉट किड्स या जी अलहमदुलिल्लाह बड़े बकरों में अलहमदुलिल्लाह मोर्टेलिटी बहुत कम है मतलब बोलते ना बहुत मतलब 1 in 50 और 2 in 50 और बच्चों में दैट आल्सो डिपेंड्स और ऐसी कोई बड़ी बीमारी की वजह से ऐसा नहीं रहता है डिपेंड्स बोलते ना जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है बिल्कुल अपन तो मेहनत कर सकते हैं खाली और बच्चों में भी ऐसा रहता है कि बच्चे कुछ कुछ क्लाइमेट सेट नहीं हो पाते कुछ बच्चे जो रहते हैं वो मतलब कैसा जब दो तीन बच्चे मोस्टली जब आते हैं तो उनका जो ये परसेंटेज रहता है मोर्टेलिटी परसेंटेज थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है बस तीन जो बच्चे रहते हैं तीन बच्चे जब आते तो ऐसा नहीं ऑल सब बच्चे हेल्दी आते उसमें से कुछ नॉर्मल रहते हैं कुछ रहते हैं थोड़ा इसमें अबनॉर्मलिटीज रहती है कुछ ना कुछ तो डिपेंड रहता है ऐसा मोर्टेलिटी लेकिन इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मोर्टेलिटी कंट्रोल्ड है आई हाय ये बाहर आई और अच्छा वो केज में छोटे छोटे क्या है केज में ऐसा है कि वो सिंगल जो बच्चे रहते हैं जो अभी पैदा होते हैं फॉर एग्जाम्पल या दो दिन पहले इसमें 10 days तक बच्चा इसमें रहता है फर्स्ट 10 days अच्छा बिकॉज वो थोड़ा क्रिटिकल रहता है उस टाइम पे उसके ऊपर मेहनत थोड़ी ज़्यादा रहती है ओके तो इसमें कोई ऐसे मच्छर मक्खी कुछ परेशान ना करे तो इसके लिए एकदम बारीक चाहिए मच्छर मक्खी का भी आपने इंतजाम करके रखा नहीं नहीं उसके अंदर प्रॉपर हर डिसइंफेक्टेंट वगैरह चाहे कुछ हो हर चीज़ के लिए प्रॉपर ये रहता है मेडिकल कौन देखता है मेडिकल स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड है और मैंने पर्सनली ट्रेन किया हूँ और इनफैक्ट इंजेक्शन वगैरह के लिए भी मैंने एक प्रॉपर वेटनरी डॉक्टर था उसको अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस या ऐसा कुछ रहता है डिफ़िकल्ट केस तो उसको भी बुलाया जाता है ऑन कॉल है वो और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकेशंस प्रॉपरली फुल टाइम अवेलेबल होती है सारा चूट अभी ख़राब कर दो सो ये है इनका पूरा फार्म माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है और बकरे सारे कंडीशन में है जी वही आप बकरियां भी दे सकते हो सारी के मतलब किसी का ऐसा हड्डियां नहीं दिख रही है नहीं, जब नहीं, तक वो एकदम ये और जितनी बकरियां इसमें से कुछ बकरियां खाली भी है अभी ये आपके सारे खुद के ना पलाई के नहीं है नहीं नहीं इसमें बकरियां पलाई पर कुछ कोई सेटअप नहीं है बकरियां से पर्सनल है खिलाते पिलाते बहुत अच्छा आप बकरियों को भी ऐसा नहीं है कि बकरियों को दाना नहीं देते बकरियों को एक टाइम प्रॉपर दाना मिलता है जितना बकरों को मिलता है उतना ही बिकॉज अगर दाना नहीं देंगे तो उनका मिल्क प्रोडक्शन नहीं रहेगा ओके बकरियाँ भी बड़ी बड़ी फ्रेम की है माशाल्लाह ये सब बकरियाँ ऐसा कुछ बाहर की परचेज की भी थी जब लाया गया था वो ऐसी नहीं थी लेकिन बोलते हैं उनको मेहनत थी मतलब वो अभी जाके क्रॉस हुई है कितने मतलब ऑलमोस्ट लेके 6-7 महीने हो गए तो 6-7 महीने तक उनको प्रॉपर ये पहले प्रॉपर फीडिंग वगैरह सब किया गया तब जाके उनको कोई ब्रीडर से क्रॉस किया गया ठीक है तो ये है इनका फार्म जस्ट गेट इन टच विद हिम और सेपरेट वीडियोस बनाते हैं हम जी और जो जो बिक्री के लिए जानवर है वो भी निकालेंगे जी जी और रिजल्ट भी बताएंगे कि किसको मिक्स करके क्या निकला हाँ। मेल प्लस फीमेल मेल प्लस फीमेल को किससे मिलाया तो आपने कैसे बच्चे निकले वो भी बताएंगे ओके ठीक है जिस किसी को भी इनसे बकरे खरीदना है या फार्म विजिट करना है जस्ट गिव मे कॉल या श्योर आई एम अवेलेबल अगर मैं आपको कॉल अगर इनकेस नहीं उठा पाता हूँ तो जस्ट सेंड मी अ वॉइस मैसेज और जस्ट सेंड मी अ टेक्स्ट आई विल बी अवेलेबल व्हेनेवर आई विल गेट फ्री डॉक्टर साहब है ही विल बी बिजी सो प्लीज हैव पेशेंस या ये वेल्ले नहीं बैठे हैं हाँ सो व्हेनेवर ही गेट्स टाइम ही विल गेट बैक आई विल कॉल यू बैक फॉर श्योर ओके सो थैंक यू सो मच थैंक यू